ब्रिटेन का शाही परिवार भारत में है। भारत में इस शाही परिवार का शाही स्वागत किया जा रहा है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक में रेड कारपेट बिछा हुआ है शाही परिवार के लिए। ब्रिटेन के शाही परिवार के राजकुमार प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडिल्टन अपनी पहली भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दोनों मुंबई में ताज पैलेस होटल के पास 26/11 के स्मारक पर गए। उन्होंने स्मारक पर पुष्पमाला चढ़ाई और होटल के उन कर्मचारियों से भी बातचीत की जो नवंबर 2008 में किए गए भयावह हमले के समय इस विशालकाय होटल में ही मौजूद थे। ताज पैलेस होटल के सामने ही समुद्र किनारे बना गेटवे ऑफ इंडिया दिखाई देता है, जिसे किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी की 1911 में मुंबई यात्रा की याद में बनाया गया था। शाही दंपति भारत और भूटान के 7 दिन के दौरे की शुरुआत में यहां पहुंचे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना है। बाद में वे मुंबई की 3 परमार्थ संस्थाओं मैजिक बस, डोर स्टेप और इंडिया चाइल्ड लाइन के लाभार्थी और प्रतिनिधियों के बीच आयोजित क्रिकेट मैच को देखने और उसमें भाग लेने के लिए ओवल मैदान भी पहुंचे थे, जिसमें सचिन के साथ शाही जोड़े ने क्रिकेट खेला। प्रिंस विलियम और कैट ने एक भव्य स्वागत और रात्रि भोज समारोह में शिरकत की, जिसका आयोजन मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने किया था। इसमें बॉलीवुड और उद्योग जगत के नामचीन चेहरे ने शिरकत की। प्रिंस विलियम और केट मिडिल्टन के लिए रविवार रात मुंबई में डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में ड्यूक और डचेस ने व्यापार, खेल और बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात की। इस शाही जोड़े के भारत आगमन से भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में सुधार की एक पहल मानी जा सकती है।